तो मैं काजल डी ट्रिपल SSB यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो है एक रिजल्ट जो है आउट किया है। खुशखबरी है गाइस आपके लिए, अभी जो है जस्ट 4 दिन पहले 44/21 यानी कि GSA वालों का भी रिज़ल्ट जो है आउट हुआ था, जो काफ़ी टाइम से जो है परेशान थे, जो जिनका एग्ज़ाम जो कि अप्रैल में हुआ था उनका जो है रिज़ल्ट आउट हो गया। वहीं वो जो प्राइमरी टीचर वाले हैं अपने, जिनकी जो है दो पोस्ट थी आपको पता ही है प्राइमरी टीचर की, एक तो थी 47/21 वालों की असिस्टेंट की और एक थी आपकी 42/21 की। तो 47/21 का तो रिज़ल्ट 12 अगस्त को ही आउट हो गया था, जो 120 पोस्ट निकली थी, 23 से 26 मार्च में इनका एग्ज़ाम था और अगस्त में जो है इनका रिज़ल्ट आउट हो गया था। और वहीं बेचारे 42/21 वाले जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहे अपने रिज़ल्ट को लेकर, क्योंकि इनकी 434 पोस्ट थी और टेंटेटिव डेट जो है अक्टूबर नवंबर बता दी गई, तो ये जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहे। तो मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, देखिए रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट पर जाकर आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट अपडेट लाऊं आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मैं इस रिज़ल्ट वाले ऑप्शन पर ऑन करके आपको जो है रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। देखिए रिज़ल्ट वाले ऑप्शन पर ऑन करा मैंने, एक न्यू पेज जो है आपके सामने जो है ओपन होगा, न्यू पेज ओपन हुआ, थोड़ा स्क्रॉल करके इसको नीचे आएंगे, नेट थोड़ा मेरा स्लो चल रहा है, आ गए। तो यहाँ पे जो है आपको ये जो लेटेस्ट रिज़ल्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना होगा। लेटेस्ट रिज़ल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक न्यू पेज जो है ओपन होगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी जो है ये लिस्ट है, 9, 10, 11, 12, 18, 25 तक की ये जो है लिस्ट है। तो आपको जो है नंबर 1 टाइटल दिख रहा है, आपको इस पे जो है क्लिक करना है। गाइस देख लेना अपना रिज़ल्ट, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके मैं जो इसका PDF आपको जो है डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। ये रहा रिज़ल्ट, प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। या गाइस आज 19 सितंबर है और 19 सितंबर का ही आपको जो है रिज़ल्ट दिखाने वाली हूँ। देखिए अभी ये रहा 19 सितंबर और आप देख सकते हैं ये जो रिज़ल्ट निकला है, जो नोटिस नंबर 1485 है ना आपका TGT मैथमेटिक्स मेल वालों का 38/21 वालों का रिज़ल्ट जो है आउट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नोटिस नंबर 1423 डेटेड ऑन 6/1/2022, 741 कैंडिडेट जो है इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, उनका रिज़ल्ट जो है ये आउट हुआ है। आप देख सकते हैं कैटेगरी ये रही, 200 मार्क्स में से यहाँ पे जो है UR वालों के इतने बताए गए हैं, 80.88, OBC के एरे 73.64, 80 वालों के 62 पॉइंट और ST वालों की एरे और PWD के 70.1 रहे हैं। वहीं मैं अगर थोड़ा सा इसको नीचे करके आती हूँ तो अगर आप एक चीज़ पर ध्यान दें तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि E-Dozer लिंक जो है आपका जो एक्टिवेट होगा वो आपका 20 तारीख से लेके 4/10 तक जो है एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। ये जो मेल का जो ये रिज़ल्ट निकला है TGT मैथमेटिक्स वालों का, टीचर का रिज़ल्ट निकला है ये, तो इनकी जो E-Dozer का लिंक एक्टिव रहेगा ना गाइस, वो 20 तारीख से लेके 4 तारीख तक रहेगा, ठीक है ना। तो वो अपने इस लिंक को जो है ओपन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और एक न्यू व्यू आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है गाइस सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे भी कुछ लिख रहा है रोल नंबर, ये आप देख सकते हैं, हाउएवर द डोजर ऑफ वन कैंडिडेट बियरिंग रोल नंबर 112503800547 कुड हैव नॉट बीन कॉल्ड ड्यू टू टेक्निकल एरर। इसमें कहा गया कि कुछ टेक्निकल एरर के कारण इनका जो है रोल नंबर जो है आउट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट गाइस, जिनके अभी जो है सिलेक्शन हो गया है वो ठीक ठाक रहें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।